क्या आप भी चाहते हो कि 12.5 का जो अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब एक फॉर्म आया है बीटा प्रोग्राम यूजर्स के लिए, जिसमें आप अपने माई अकाउंट वगैरह को फिलअप करके अपने डिवाइस के लिए बीटा प्रोग्रामर बन सकते हो और आपको जो भी अपडेट है सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है और उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे फ़िलअप करना चाहिए या फिर नहीं फ़िलअप करना चाहिए। क्योंकि जब भी ये आता है भाई, हर एक जगह वीडियो फैल जाता है और हर यूजर जिसको पता भी नहीं है वो फ़िलअप करके बीटा प्रोग्रामर बन जाता है कि मैं पहले यूज कर पाऊँगा, बट इसके नुकसान उन्हें नहीं पता होते हैं या फिर क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं वो भी नहीं पता होते हैं। बस देखा, सिलेक्ट किया डिवाइस और फिलअप कर दिया। तो मैं यहाँ पे सब कुछ बारीकी से बताऊँगा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी हो तो आप फिलअप करना, नहीं हो तो मत फिलअप करना, ठीक है? तो पहले कंडीशन की बात करते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ता है फिलअप करने के लिए। फर्स्ट, आपको अपने फ़ोन का IMEI नंबर इंटर करना होगा। सेकेंड में, आपका जो मी अकाउंट है, MI अकाउंट जो आपके फ़ोन के अंदर लॉगिन होता है, उसका ID देना होगा। थर्ड में, आपको देना होगा टेलीग्राम का ID, ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रुप वगैरह है, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है सब टेलीग्राम पे आएगा, तो आप एक टेलीग्राम यूजर्स नहीं हो तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल से बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बट पहले नज़र डालते हैं कुछ कंडीशन के ऊपर कि क्या नुकसान होगा। ये जो बीटा प्रोग्राम है इसमें कई सारे बग्स होते हैं और ये वीकली अपडेट नहीं आता है। ये वीक में 2 टाइम आपको अपडेट देखने को मिलेगा और छोटे छोटे अपडेट रहेंगे, लेकिन किसी प्रोग्राम के अंदर कुछ ज़्यादा बग आया और उसे आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है और आपको नहीं पता है कि आपको अपने फ़ोन को कैसे ठीक करना है, रिकवर करना है, तो आपको केयर जाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपके फ़ोन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो गया, जैसे कि आउट ऑफ वारंटी वाला कुछ कांड हो गया, तो भाई आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। केयर में कोई भी फ्री सर्विस आपको नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि मैंने जो बीटा प्रोग्राम डाला था, मैं ज्वाइन किया हूँ तो मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो मुझे फ्री में करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है कस्टमर वगैरह का, TWRP का, बूटर अनलॉकिंग वगैरह का, तो भी आप इसे ज्वाइन करना। अदरवाइज आप न्यू हो तो मत ज्वाइन करना, क्योंकि इसके लिए पहला कंडीशन होता है बूटर आपके फ़ोन का अनलॉक होना, सेकेंड आपको TWRP का नॉलेज हो, रिकवर करने का नॉलेज हो, लॉक्स वगैरह लेने का नॉलेज हो, ताकि आप खुद से अपने फ़ोन को रिकवर कर सको। क्योंकि जब भी ये प्रोग्राम का अपडेट रोल्ड आउट होगा, आप सबमिट किया, आप ज्वाइन हो गए, आपको अपडेट मिल गया, तो उस अपडेट में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ फिक्स रहेगा, क्योंकि बीटा प्रोग्राम है, टेस्टिंग प्रोग्राम है, तो बहुत सारी कमियां रहती है जिसकी वजह से आपका फ़ोन मे बी ऑफ होने के बाद ऑन ही ना हो, और ऐसे में आपको नहीं पता है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपका डेटा ख़राब हो सकता है। और बूटलोडर अनलॉक होना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी डेड हो तो आप ऑफिशियल रोम को फ्लैश करके अपने फ़ोन को ऑन कर सकते हो। तो इसकी नॉलेज अगर नहीं है तो भाई छोड़ दो। और यहाँ पे जब बूटलोडर अनलॉक करने की बारी आ ही गई है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक बात कहना चाहूँगा कि भाई क्यों फॉलो करने की ज़रूरत है आपको, क्यों फिलअप करने की ज़रूरत है इस प्रोग्राम को। क्योंकि हम जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं, जब भी कोई बीटा प्रोग्राम आउट होता है उसके लिंक मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं कहीं पे, उसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और बताते हैं क्या फीचर्स आया है या आने वाला है और उसके अंदर क्या बग है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं हमारी वीडियोज़ में। तो उसके लिए भी आपको बूटर अनलॉक करना होगा, जो हम लोग मेथड आपको बताते हैं। और जो आप बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपका फ़ोन डेड ना हो, आप ठीक कर लो, उसके लिए भी आपको बूटर अनलॉक रखना ही पड़ेगा। तो उससे कहीं बेटर है कि आप इस सारे रूल रेगुलेशन को इग्नोर करते हुए बस वेट करो कि कब बीटा प्रोग्राम का लिंक रोल्ड आउट होता है, कब कोई यूट्यूबर उस पर वीडियो बनाता है, और जब आप रिव्यू वॉच करो आपको अच्छा लगे तो भाई आप अपने फ़ोन का बूटर अनलॉक कर ही रखे हो, TWRP डालो, रोम को फ्लैश करो, काम सिंपल है। क्योंकि जब भी आपको ये OTA अपडेट मिलेगा ना, तो सम टाइम आपको स्मॉल तो सम टाइम फुल पैकेज ही मिलेगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी और इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो सब कुछ आपका जाएगा। आपकी मर्जी है आप इसे फिलअप करना चाहते हो या फिर नहीं। सिंपल सा तरीका है, बूटर अनलॉक करके बैठ जाओ, जब भी आएगा लिंक डाउनलोड करो, फ्लैश करो, या फिर वीडियो को वॉच करके उसके बाद आप फ्लैश करो, ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हमें OTA अपडेट ही करना है, हमें ज्वाइन होना ही है इस प्रोग्राम को, तो आ जाते हैं फ़ोन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आपको यूज करना है, क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे डिमांड किया जाएगा। और आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
तो कुछ इस तरीके से आपको ये पेज देखने को मिलेगा, और इसे ओपन करने के लिए आपको मे बी वीपीएन वगैरह ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस वगैरह है, आप देख सकते हो, ये रहा टेलीग्राम का चैनल जिसे आपको ज्वाइन होना होगा, और इसका जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है, यानी इससे पहले तक ही आपको फिलअप करना होगा। और साथ साथ यहाँ पर कुछ कंट्री के कोड्स वगैरह दिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका डिवाइस किस कंट्री का है। ऐसे तो आपको बेसिक पता ही होगा कि आपने कहाँ से बाई किया और कहाँ का है। तो यहाँ पर सब देख सकते हो, आईडी का क्या नाम है, आरयू का क्या नाम है, ईयू का, आईएन का और एमआई का। और ये किस तरीके से चेकअप होगा, तो आपको मीवाई का जो वर्जन है, यहाँ पे जो आपको नंबर दिखाई देते हैं QEI MI वगैरह, तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि कौन सा कंट्री का ये डिवाइस है जो कि आप अभी फिलहाल यूज कर रहे हो। उसके बाद आते हैं इसके सिलेक्टेड डिवाइसेज के ऊपर कि किन के लिए ये अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे डिवाइस कई सारे हैं और सबके पीछे कोड लिखे गए हैं कंट्री के, ग्लोबल EEAIN वगैरह। तो ये आपको यहाँ से चेक कर लेना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और शो भी कर दिया है। तो डिवाइस का नेम आपको देखने को मिलता है Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 90 Pro, जो कि Redmi का K20 Pro है, और वो भी मेंशन किया गया है, Redmi K20 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 90, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, Redmi 9 Power, Mi 11, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max, जिनके कंट्री कोड वगैरह दिए गए हैं। तो इन डिवाइस में से किसी भी एक डिवाइस के यूजर्स हो तो आप इस बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको बस यहाँ ऊपर आना है, ये जो अप्लाई हेयर है इस पर टैप करना है, और टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको ज्वाइन होना होगा। तो अप्लाई हेयर मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको स्टार्ट एंड एग्री पे टैप करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा आपके फ़ोन का क्या क्या हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो Mi ID है, IMEI नंबर वगैरह और बाकी सब चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड। तो यस पे टाइप करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपका एज क्या है, 18 प्लस या अंडर, तो 18 प्लस सेलेक्ट और यस कर देंगे, जो भी आपका रहे। इसके बाद MI अकाउंट का जो ID है, यानी MI अकाउंट लॉगिन करते समय मोबाइल नंबर, ईमेल ID और MI ID पूछा जाता है। तो MI ID आपको पता होगा, वो आपको चेक करना है आपके फ़ोन के अंदर किस डिवाइस के लिए आप फिलअप कर रहे हो, उसी का एक MI अकाउंट ID आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ गलत डालने वाला हूँ, बट आप अपना सही चेक कर लेना और फिलअप करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन का IMEI नंबर पूछा जाएगा, तो आप डायल पैड पर टैप कर सकते हो *#06#, तो इस पर आपको शो हो जाएगा, और वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है कोई एक, जो कि 15 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे मैं भी ये गलत डालने वाला हूँ, ये आ चुका, अब नेक्स्ट पे टैप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा कि आपके पास जो फ़ोन है वो क्या है, MI, Redmi या Poco, जो भी है उसे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे सभी डिवाइसेज जिनके लिए ये अवेलेबल हुआ है उनका नेम देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो जो भी है उसे सेलेक्ट करना है और फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ और पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री है आपका, ग्लोबल, यूरोप या इंडिया वगैरह, जो भी है, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे, वो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कुछ भी आपने फिलअप किया है वो सब कुछ सही, आप एग्री हो प्रोग्राम वगैरह के लिए, तो यस करेंगे और नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे फाइनल आपको देखने को मिला है, कंग्रेचुलेशन, आपने सबमिट कर दिया है, और जब ये अप्रूव होगा आपको टेलीग्राम पर जो मैंने ID बताया ना उस पर एक PDF शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी अप्रूवल वाले अकाउंट है MI के, उनके सभी के नंबर देखने को मिलेंगे। तो आपको PDF को डाउनलोड करके चेकआउट करना पड़ेगा कि उसमें आपका MI अकाउंट नंबर है या नहीं। उसके बाद अगर आप सबमिट हो जाते हो, अप्लाई सक्सेसफुल हो जाता है आपका, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा टेलीग्राम पे, जिसे आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बुलो डाउनलोड करके बैठे रहते हो ना, तो भाई जब भी आएगा ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड करना है और टीलॉग से फ्लैश कर लेना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही तक था, उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर से कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।